अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हुज़ैफ़ा गार्डनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। आज के इस वीडियो में ना मैं शॉपिंग वीडियो लाई हूँ। तो मैंने कौन कौन से प्लांट की, विंटर प्लांट्स की शॉपिंग की है और सभी के सभी प्लांट्स मैं दिखाऊँगी और क्या इनके प्राइस है वो भी मैं आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की वीडियो देखने के लिए, और जो पास में जो घंटी का बटन है ना उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यही सारे पौधे हैं जिनकी मैंने शॉपिंग की थी। और ये देख सकते हो ये हिबिस्कस है और ये दो, तो इसकी मैंने आज रिपॉटिंग कर दी है। और ये जो पौधा देख रहे हो ये मुझे पॉट में ही लगा हुआ मिला था, और ये दो इस तरह से इसकी भी मैंने आज रिपॉटिंग कर दी। और ये जो तीनों आप देख रहे हैं उधर ये पॉट में ही सेपरेट मुझे मिला था, तो मैंने इसकी रिपॉटिंग नहीं की है। तो ये जो पौधा आप देख रहे हो ना ये हिबिस्कस का प्लांट है, और ये बहुत ज़्यादा मुझे यूनिक लगा। इसमें येलो और बीच में इस तरह से कुछ रेड का कॉम्बिनेशन, और साइड में ये इस तरह से ये डार्क पिंक कलर, तो मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लगा। पता नहीं इस वैरायटी को क्या बोलते हैं, मुझे एक्चुअली इसका नाम पता नहीं है। अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो उन्होंने मुझे 150 रुपया इसका बोला था, फिर मैंने बार्गेनिंग की। आप लोग भी जब पौधे लेते हो ना तो बार्गेनिंग ज़रूर किया करें। तो मैंने इसको 100 रुपीज़ में 100 रुपये में ख़रीदा है। तो ये पौधा देख सकते हो छोटा सा प्लांट है, ज़्यादा छोटा भी नहीं, मीडियम साइज़ का है, और काफ़ी हेल्दी पौधा मुझे लगा तो मैंने इसको बाय कर लिया। और कलियाँ भी आप देख सकते हो इसमें ये 3-4 कलियाँ बनी हुई हैं, तो पौधा काफ़ी हेल्दी कंडीशन में था। और एक ये मैंने लिया है, इसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन हिबिस्कस, इसमें भी देख सकते हो कलियाँ बनी हुई है। ऑस्ट्रेलियन हिबिस्कस ऑलरेडी मेरे पास है, मैंने काफ़ी बार वीडियो में मैंने आपसे शेयर भी किया है, काफ़ी मेरे पास बड़ा सा पौधा, फिर भी मैंने इसको बाई इसलिए किया, इसमें बहुत बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं और ये पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये भी मुझे पॉली बैग में ही लगा हुआ मिला था, पर इसको मैंने 10 इंच का पॉट दिया है। और पौधे की आप हाइट देख सकते हो, बड़ा पौधा है, मीडियम साइज़ का प्लांट है, और इसको भी उन्होंने 150 रुपया ही बोला था, मैंने बार्गेनिंग करके 100 रुपये में इसको भी ख़रीदा है। और इसे बोलते हैं टुरेनिया, तो टुरेनिया भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लांट है, और ये एक परमानेंट प्लांट भी होता है दोस्तों, जैसे हिबिस्कस परमानेंट है। अगर आप इसको भी सेव करते हो, कटिंग लगाते रहते हो, तो ये भी पौधा परमानेंट बन जाता है आपके गार्डन में। तो इसमें बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं, और इसके फूल ना स्पेंड हो गए थे तो मैंने इसको हटा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस तरह से इसके फूल इस तरह से स्पेंड हो गए थे तो मैंने इसको हटा दिया। ये एक येलो कलर था और ये एक कुछ पिंक और कुछ वाइट कलर मिक्स था। तो ये इस तरह से मैंने ये टुरेनिया के दो पौधे लिए हैं। और ये इधर कैलेंचू है, कैलेंचू के पौधे मेरे पास ऑलरेडी हैं, फिर भी मैंने इनको ख़रीदा है। उन्होंने बोल कर दिया था कि एक इसमें येलो कलर निकलेगा और एक वाइट कलर निकलेगा, पता नहीं अब कौन सा कलर निकलता है, खिलने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा कलर निकल के आता है। तो इस तरह से जब भी आप पौधा ख़रीदे ना तो हेल्दी ही पौधा ख़रीदे। और ये इसके भी प्राइस की बात करूँ ना तो ये हाइब्रिड वैरायटी है, तो हाइब्रिड वैरायटी ना 150 रुपये के आसपास मिलती है। मैंने बार्गेनिंग थोड़ी की थी तो ये मुझे 100 रुपये का मिल गया था, तो दोनों पौधे मुझे 100-100 रुपये के मिले हैं। तो ये भी देख सकते हो काफ़ी हेल्दी मेरा पौधा है, और ये पौधा ना कटिंग से भी ईज़िली तैयार हो जाता है। तो मैं तो कटिंग लगा कर बहुत सारे प्लांट इसके भी तैयार कर लूँगी, तो इसकी भी मैंने इस तरह से आज ही रिपोर्टिंग कर दी है। तो इधर जो आप ये तीनों पौधा देख रहे हो ना इसे बोलते हैं अजेलिया। अजेलिया भी दोस्तों विंटर का काफ़ी खूबसूरत पौधा होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें बहुत ही सुंदर फ्लावर आते हैं। कलियाँ देख सकते हो काफ़ी सारी इसमें देख सकते हो बनी हुई हैं। और पौधा मैं आपको दिखा दूं, ये देख सकते हो काफ़ी हेल्दी कंडीशन में पौधा है, और स्टेम से आपको पता चल रहा होगा, ये देख सकते हो बहुत ज़्यादा हेल्दी पौधा है मेरा। और ये भी मैं आपको दिखा दूं, ये आप देख सकते हो ये इस तरह से। तो अजेलिया की अगर प्राइस की बात करूँ ना
तो ये पौधा अगर आप लेने जाते हो ना तो 150-200 रुपए के आसपास ये पौधा आपको नर्सरी में देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू हाइट, जितना बड़ा हाइट रहता है फिर प्राइस उसी हिसाब से रहता है। तो मैंने हाइट दिखा दिया और पौधे की ग्रोथ भी आप देख सकते हो, बहुत ही फास्ट है, बहुत हेल्दी है पौधा मेरा। तो इसको भी मैंने 100 रुपये में ही लिया है और पौधा आप देख ही सकते हो, तो बहुत ही सुंदर फूल आते हैं। इसकी मैं पिक्चर लगा दूंगी, फिर आप लोग देख लेना। तो इसके 3 प्लांट है, तीनों उन्होंने बोल कर दिया था कि तीनों 3 कलर आएंगे और उन्होंने बोला था कि इसमें ट्रिपल पेटल के फ्लावर आएंगे। तो अब पता नहीं कौन सा इसमें कलर निकल के आएगा, खिलने के बाद ही पता चलेगा। एक में तो रेड कलर निकल के आया था और बाकी जो 2 प्लांट है पता नहीं इसमें कौन सा कलर निकल के आएगा। तो जब भी आप ना एजेलिया का भी पौधा लेना दोस्तों, तो एक स्टेम 2 स्टेम वाला पौधा नहीं लें। कुछ इस तरह से आपने जब भी पौधा ख़रीदें तो हेल्दी पौधा देखकर आप ख़रीदें। और ये इस तरह से देख सकते हो, छोटे से 6 इंच के पॉट में लगा हुआ मेरा पौधा है। तो इसकी मैंने डीपॉटिंग नहीं की है। और एक चीज़ आपको ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप एजेलिया का पौधा लो ना, लीफ मोल्ड में लगा होते सॉरी लीफ मोल्ड में ये पौधा लगा होता है, एजेलिया की पहचान होती है कि पौधा लीफ मोल्ड में लगा है। तो ये आपको ज़रूर से चेक कर लेना है, देख सकते हो ये लीफ मोल्ड में लगा हुआ पौधा है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखते हुए पौधा ख़रीदना है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। हैप्पी गार्डनिंग।